आइए गणित की इस रोचक गतिविधि में हम ड्राइंग, कटिंग और पेस्टिंग द्वारा यह सिद्ध करेंगे कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजाएं, चार अंतःकोण और दो विकर्ण होते हैं। इस गतिविधि में जिन सामग्री की हमें आवश्यकता होगी वह है चार्ट पेपर, पेंसिल, फीता, प्रकार, रंगीन पेंसिल, कैंची और गोंद। सबसे पहले चार्ट पेपर पर एक चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है। अब चतुर्भुज ABCD के प्रत्येक कोने में समान त्रिज्या के चार चाप बनाइए। इन चारों चापों में अपनी पसंद के अलग अलग रंग भरिए। अब चतुर्भुज ABCD से इन रंगीन चापों को कैंची की मदद से काटकर अलग कर लेना है। कैंची या कटर जैसी धारदार वस्तुओं का प्रयोग करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। चापों की इन चारों कटिंग को एक चार्ट पेपर में वृत्त अर्थात सर्कल के आकार में चिपकाइए। इस प्रकार रखने से चापों की यह कटिंग एक वृत्त का निर्माण करती है। चूंकि किसी बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अतः कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर है 360 डिग्री के। अतः यह सिद्ध होता है कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस गणित गतिविधि को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।